रिजर्व बैंक की ताज़ा साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक करगिल समस्या के कारण सरकार के गैर आयोजना खर्च में भारी वृद्धि हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू साल में हमारे रक्षा खर्च में 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 11 करोड़ 30 लाख डॉलर घटकर 33 अरब डॉलर रह गया है। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को गिरने से रोकने के कारण भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। हालांकि इसके बावजूद भारत में निवेश करने वालों का आत्मविश्वास बरकरार है। हाल ही में वाशिंगटन में संयुक्त व्यापारिक परिषद की एक बैठक में हिस्सा लेकर लौटे अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के चेयरमैन ने हमें बताया कि पूरी दुनिया फिलहाल भारत के साथ है। कारगिल की कोई चर्चा नहीं, इंडो पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं, कोई कंसर्न नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज में। और इस समय मैं तो हर साल जाता हूँ JBC की मीटिंग में वाशिंगटन USA। इस साल मैंने देखा कि रुख काफ़ी पॉजिटिव था इंडिया के प्रति। वैसे यह तो तय है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में वित्तीय घाटे को काबू में रखने को लेकर वित्त मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था का पैमाना माना जाता है और निवेश को काफ़ी हद तक प्रभावित भी करता है। फिस्कल डेफिसिट कम करना तो बहुत ज़रूरी है, और चूंकि ये डिफेंस का मैटर है तो ऐसा मैटर है कि इसमें तो कोई आदमी सोच नहीं सकता, इसमें तो करना ही पड़ेगा। लेकिन और बहुत से एवेन्यूज है जहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कम किए जा सकते हैं। उसको गवर्नमेंट को जब तक उसका वो अपना पॉलिटिक्स से आउट नहीं ले जाएंगे और वोट सिस्टम से आउट नहीं ले जाएंगे तब तक ये कंट्री सफ़र करेगा। अब इस मसले पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के बीच मंत्रणाओं का दौर चलेगा। परिस्थितियों से निपटने के लिए खर्चों में कटौती का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। हालांकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने इस सवाल को टाल दिया। उन्होंने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक की बात तो स्वीकार की, लेकिन इससे इनकार किया कि खर्चों में कटौती का कोई विचार चल रहा है। यह सही है कि हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था ने करगिल समस्या के बावजूद आर्थिक अव्यवस्था पैदा नहीं होने दी है, लेकिन गैर आयोजना व्यय में भारी बढ़ोतरी के कारण वित्त मंत्रालय के सामने अब इससे पैदा होने वाली परिस्थितियों से निपटने की भारी चुनौती है।